सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं इस बाइक के ब्रेक्स और ABS को टेस्ट करने वाला हूं। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वहां पे थोड़ा पानी भी पड़ा दिख रहा होगा, तो वहां पे अच्छा खासा ABS का टेस्ट हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं भाई, देखो पहले तो मैंने बोला था कि मार्क वगैरह लगाएंगे, बट मेरे पास कुछ है नहीं मार्क लगाने के लिए, और मार्क ना मेरे को लगता है दिखेगा भी नहीं कि मतलब कहाँ होगा चलते टाइम। तो व्हाट आई कैन डू इज़ ये वाला जो पोल है ना, ये वाले पोल को मैं ऐसा मान लूँगा कि मतलब ये वाला जो पॉइंट रहेगा जहाँ से मैं ब्रेक टेस्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं कि पहले मैं बाइक का मतलब जो फ्रंट ब्रेक है, नहीं पहले रियर वाला चेक करते हैं, पहले रियर ब्रेक को चेक करूँगा मैं, और वो भी दो तरीके से, मतलब अप्रॉक्स चार तरीके हो जाएंगे। पहला तो दो स्पीड के लिए रहेगा, एक 50 की स्पीड पर करूँगा और एक 80 की स्पीड पर करूँगा। मैं 100 सोचा था, बट यार 100 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और बाइक काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी बिकॉज आगे पानी भी है। तो पहले मैं 50 की स्पीड पर टेस्ट करूँगा रियर ब्रेक को, और वो उस तरीके से लगाऊंगा ताकि जिसमें मतलब ना पहिया स्किट ना हो, मतलब संभाल संभाल के, बिकॉज उसमें ABS नहीं है वो स्किट होगा। और दूसरा तरीका वो मैं अपनाऊंगा जिसके अंदर मैं ट्राई करूंगा मतलब पूरा स्किट करके कि कहां तक रुकती है, और जहां तक मुझे लगता है कि विदाउट स्किट अगर मैं लगाऊंगा तो वो जल्दी रुक जाएगी, और स्किट करके ले जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगी। और उसके बाद फ्रंट का तो हम करने वाले सेम चार चीज़ इसके साथ रहेंगी। तो पहले तो नॉर्मल सा दबाएंगे जिसमें कि वो ABS की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब दूसरी बार ऐसा करेंगे कि ABS जिसके अंदर पूरी तरीके से काम करे। तो बस ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाते, पहले चीज़ें चलते हैं बाइक पे, और वो जो वहाँ पे पानी पड़ा है वहाँ पे टेस्ट करेंगे फाइनल ABS का जो। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़ चेक करेंगे कि दोनों ब्रेक लगाने के बाद बाइक कितनी जल्दी रुकती है, और जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पैरों के हिसाब से। यार देखो, पोल से ना बन नहीं पा रहा है बिकॉज एक इस तरफ एक इस तरफ है। मैं काम करता हूँ आगे ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ना वहाँ से एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा। तो मैं बाइक की स्पीड करता हूँ 50 हो चुकी है और अप्रॉक्स 50। अब मैं लगाता हूँ रियर ब्रेक आराम से जिसमें कि स्किट ना हो। ये मैंने इस तरीके से लगाया जिसमें बाइक स्किट ना हो, तो यहाँ तक अप्रॉक्स रुक गई ना ये। चलो मैं स्टेप्स काउंट करके आता हूँ आगे रख के, लेट्स सी हाउ मेनी स्टेप्स। इस तरीके से लगाया, चलो गिनते हैं। 35 मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस है 50 की स्पीड से, सिर्फ और सिर्फ रियर ब्रेक अगर आप लगाओगे वो भी इस तरीके से जिसके अंदर आपकी बाइक स्किट ना हो, काफ़ी लंबा है यार। स्टेप्स में भूल जाऊंगा तो मैं ना वीडियो में लिख दूंगा नीचे। चलो अब एक और बार टेस्ट करते हैं रियर ब्रेक जब हम बाइक को करेंगे स्किट, वो भी 50 की स्पीड से। चलो आगे से घुमा के लेके आते हैं। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो खाली बिल्कुल रोड है, तो ऐसा कोई मतलब पब्लिक तो है बट इतना ज़्यादा ना ट्रैफिक वाला नहीं है ये, तो बस यही है। चलो आई डोंट वांट कि मैं पहिया स्किट करूँ, 50 हो जा। चलो मैं करता हूँ उसको स्किट। भाई पूरा टायर स्किट कर दिया मैंने, पूरा टायर मैंने स्किट करा इस बार। लास्ट में 34 तक गया था, देखो पूरा स्किट हुआ है, पूरा टायर वहाँ तक स्किट हुआ। मतलब स्किट करने पे जल्दी गाड़ी रुक रही है यार, सीरियसली। तो ये देख सकते हो पूरा यहाँ तक मेरा टायर जो है स्किट हुआ है, और ये रहा उसका निशान। ओ नो भाई टायर, ओ शिट। मैं टायर पीछे करके देखता हूँ यार, मैं कभी इतना नहीं करता मेरा टायर स्किट। यहाँ देखो कितना निशान। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार, मतलब बारिश भी हो रही है, ये देखो पूरा गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, पूरा टायर जो है मेरा स्किट कर गया। आगे करता हूँ, एक सेकंड देखना भाई, ये मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ट्राई मत करना क्योंकि ये देखो रबड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा निकल गई, दिख रही है देखो। ओह माय गॉड, तो मतलब टायर स्किट तो आप कभी मत करो। काम करता हूँ मैं ना, स्किट वाला टेस्ट नहीं करूँगा भाई 80 की स्पीड पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 80 की स्पीड पे रियर ब्रेक को टेस्ट करेंगे विदाउट स्किट। स्किट नहीं करने वाला मैं यार, मैं पागल नहीं हूँ, स्किट कर रहा हूँ अपने टायर को, ठीक है। चलो मोड़ते हैं वापस, इतने में 80 पकड़ लेगी। लेट्स मूव इट। चलो भाई जितना गया उतना से देख लेते हैं, देखो इस तरीके से लगाया ताकि स्किट ना हो, बस संभाल लिया मैंने। यार कदम कौन नापेगा, डबल कर लेते हैं। वहाँ पेड़ के पास रुकी थी ना मेरी बाइक, वहाँ से डबल हो गया, देख लो। ठीक है इतना हमने कर लिया, अब हम करके देखेंगे 50 की स्पीड से टेस्ट ABS। अब आएगा मज़ा क्योंकि अब ABS है यार।
ठीक है। फ्रंट को पहले हम 50 पे लगाएंगे, सी की विदाउट एबीएस, मतलब एबीएस का यूज़ ना करना पड़े हमें, तो मैं नॉर्मली लगाऊंगा 1, 2, 3। इसमें एबीएस का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, ये नॉर्मल इतनी स्पीड में रुकती है, ठीक है। एबीएस का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है, काफ़ी मतलब कम है, ठीक है। मैं रुक के देख ही लेता हूँ यार, यहाँ रुकी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 50 की स्पीड एप्रोक्स कैच कर ली होगी, काफ़ी ठीक है। आई मीन अगर कोई सामने आ जाए तो हमारे पास काफ़ी टाइम होगा कि हम अपनी बाइक को 50 की स्पीड से ओनली फ्रंट ब्रेक से रोक सके। चलो भाई अब वहाँ से आते हैं और 80 की स्पीड पे विदाउट मतलब ABS का यूज़ ना लेना पड़े, इस टाइप से ब्रेक लगाए। ABS की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ी, मैंने बहुत आराम से ब्रेक लगाए हैं। और यहीं पेड़ के पास आके मेरी बाइक रुक गई है, जितना हमने मतलब 80 की स्पीड से अगर हम ओनली फ्रंट ब्रेक दबाते हैं, अगर विदाउट ABS वाली बाइक भी है तो काफ़ी सही है। मतलब अभी तो सिर्फ एक्सट्रीम की बात हो रही है, तो मतलब फ्रंट ब्रेक की क्वालिटी मच बेटर है रियर ब्रेक से, और होता भी है इन सब बाइक्स में कि मतलब फ्रंट ब्रेक ही ज़्यादा काम करता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ट्राई करेंगे ABS का यूज़ करेंगे हम पहले 50 की स्पीड से, अब 80 मैं यहाँ से लगाता हूँ, चलो 50 वहाँ से लगाएंगे। आज आपको सारी ब्रेकिंग के बारे में पता लग जाएगा कि कैसे ब्रेक परफॉर्म कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। पहले 80 लगा देते हैं, ये मैंने पूरा ABS का यूज़ करा है, तो इस बार ABS का यूज़ करने पे देखते हैं कितना देर बाद बाइक रुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 30 या 32 ABS से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, सीरियसली बहुत सही काम किया इसके ABS ने, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक लगाया था। अब 50 की स्पीड में देखेंगे कितना रेडर तो यही पकड़ लेंगे, आगे वाले से करते हैं आगे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, अपना पहुँचने वाला क्योंकि पहुँच के फ्रंट ब्रेक दबाऊंगा जोर से एकदम 55 का प्रॉब्लम है, फुल ABS का यूज़ करते हैं। भाई साहब बहुत जल्दी रुक गई, बिल्कुल यहाँ से यहाँ स्पीड अब मैं देखने नहीं वाला, पहला दूसरा बहुत जोर से ब्रेक मार दी भाई, गाड़ी जाम। लेट्स सी, आई थिंक 75 की स्पीड होगी और स्टेप्स कम से कम होंगे 25, आई थिंक मतलब बहुत कम गैप है, तो मतलब ब्रेक इस बाइक के अब आप देख लो। और मैंने भी सीरियसली बहुत ज़्यादा जान से नहीं मारे थे, अगर वो बात अलग होती जब रियल लाइफ में बाइक के सामने कोई आ जाता तो आप जो पैनिक ब्रेकिंग करते हो उसमें डेफिनेटली बाइक यहाँ तक रुक जाती है, मैं नहीं चाहता ना मेरा टायर घिसे तो बस देख लो ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं। एक बार पानी के ऊपर ABS टेस्ट करके देखते हैं, और मैं बिल्कुल जस्ट पानी में ही ब्रेक लगाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल पानी पे लगाया और पानी पे ही बाइक रुक गई। देख रहे हो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ कि बाइक डिसबैलेंस हो गई हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ पिछला जो टायर है वो स्किट हुआ, वो डेफिनेटली स्किट होगा बिकॉज वो उसमें ABS नहीं है। अदरवाइज जहाँ तक अभी मैं जा रहा हूँ मैं वहाँ पे एक दो टेस्ट और आपको करके दिखा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कोई और नीड है ब्रेक टेस्ट की, तो यही था बस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे सब वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अबे क्या चल रहा है यहाँ, लड़ लो भाई, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।